यकीन करो, फेसबुक से कोई पीएसएल का स्टार बन सकता है क्या? और उसके बाद आज पीएसएल में रातों रात वो स्टार बन गया है। नाम है इस खिलाड़ी का ख्वाजा नफे। जहान दाद जावेद मियांदाद के भतीजे जहान दाद, उन्होंने 17 बॉलों में 45 रन। यार कम ऑन, अमेजिंग। मैं आपको बताया था कि इस खिलाड़ी पे नजर रखिएगा, ये वही खिलाड़ी है जो आज हीरो बन के निकला है। नाम है ख्वाजा नफे। जो ना ये बंदा पेसर से डरता है, ना ये बंदा स्पिनर से डरता है, बस एक ही काम करना जानता है, वो ये है कि बस मुझे आके मारना ही मारना है। लेकिन यार ये जहानदाद खान को कहां से उठा के लेके आया, और क्या प्लेयर है यार ये बंदा, क्या प्लेयर है यार ये बंदा, मतलब आज अलग लेवल पे जहानदाद खान। मैंने तो पहली बार इस बंदे का नाम सुना। लगता है कि बहुत जल्द जो है ये पाकिस्तान की टीम में आने वाला भी। सामने क्रम पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रूमिंग में गुज़श्ता 9 सालों से जो पीएसएल का किरदार है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान को बड़े जबरदस्त प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग ने दिए हैं, और यही प्लेयर्स आगे चलकर पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त कारकर्दगी का हिस्सा बनते हैं और पाकिस्तान को बड़े मुकाबले जितवाते हैं। पीएसएल का ये सीजन यानी 2024 का सीजन भी कई ऐसे प्लेयर्स को सामने लेकर आ चुका है। हालांकि अभी तो इन मैचेस की शुरुआत है, सिर्फ 4 मैचेस ही हो सके हैं, और गुज़श्ता रोज लाहौर कलंदर वर्सेज क्वेटा ग्लेडिएटर के मुकाबले में पाकिस्तान को 2 ऐसे शाहीन मिल चुके हैं जिनकी तारीफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर का मीडिया भी करता नजर आ रहा है, क्योंकि उन दोनों की बैटिंग जबरदस्त थी, जिसमें सबसे पहले लाहौर कलंदर्स के जहानदाद खान जो के जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 17 गेंदों पर जो 45 रन स्कोर किए जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे, जिससे एक अच्छा टोटल सेट करने में लाहौर कलंदर कामयाब हुई। जबकि उसी के साथ साथ ओपोनेंट टीम में यानी क्वेटा ग्लेडिएटर्स में ख्वाजा नाफे ने जबरदस्त इनिंग खेलते हुए 31 गेंदों पर 60 रन स्कोर किए जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। ख्वाजा नाफे ने लाहौर कलंदर के जबड़े से ये मैच खेंचा और क्वेटा ग्लेडिएटर को एक आसान जीत दिलवाई। 5 गेंदों कबल ही उन्होंने अपना टोटल पूरा किया, और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया खासकर भारत में जहानदाद खान और ख्वाजा नाफे की खुलकर तारीफ की जा रही है, और यही सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन यार ये जहानदाद खान को कहां से उठा के लेके आया, और क्या प्लेयर है यार ये बंदा, क्या प्लेयर है यार ये बंदा, मतलब आज अलग लेवल पे जहानदाद खान। मैंने तो पहली बार इस बंदे का नाम सुना, और गजब की इन्होंने जो है अब तक में परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लाहौर कलंदर्स का एक नया फाइंड आप कह सकते हैं कि वो है जहानदाद खान। गजब की आज इन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो खैर बाकी है। मैंने पहली दफा इसको जो है मैं पीएसएल में देख पा रहा हूँ। 20 साल का लड़का है और 2003 में पैदा हुआ है। भाई गजब का है यार इसका स्ट्राइक रेट अगर आप T20 में देखोगे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ये पाकिस्तान की टीम में आने वाला भी है। 189 का स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी का, 189 का स्ट्राइक रेट है। फर्स्ट क्लास भी खेला हुआ है, फर्स्ट क्लास में इतना ज्यादा बढ़िया इनका रिकॉर्ड नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो यार लाहौर कलंदर्स के लिए एक बहुत बड़ा एसेट ये होने वाला, और हो सकता है कि आपको ये पाकिस्तान टीम में खेलता हुआ भी नजर आए। तो देखें, हर साल पीएसएल होता है और हर साल कुछ ना कुछ जो है आपको एक कोई ना कोई नया फाइंड आपको जरूर दिखेगा, और मुझे लगता है जहानदाद जावेद मियांदाद के भतीजे जहानदाद, उन्होंने आज बढ़िया पारी खेली। 17 बॉलों में 45 रन। यार कम ऑन, अमेजिंग। बाकी फखर भी आज कुछ भी नहीं कर पाया बेचारा। मैं फखर के चक्कर में टीम को फॉलो कर रहा हूँ, फखर नहीं पता नहीं क्या हो रहा, फखर तो छक्के खाएगा। अभी देखिए आज जहानदाद ने 4 छक्के 3 चौके मारे हैं, 17 बॉलों में 45 रन, तो कम से कम एंड में थोड़ा जान में जान आई है, वरना पहले तो लग ही नहीं था। शुरुआत में साहब ज्यादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 43 बॉलों पर 62 बनाए, 6 चौके 3 छक्के, लेकिन जहां पर काम खराब हुआ वो आप देख सकते हैं कि बीच में जो त्रिमूर्ति त्रिदेव फखर जमान इंतजार करना चाहिए उनको, जहानदाद खान को जो ऊपर प्रमोट किया, इनका वैसे वो नंबर नहीं है जहां पे इनको भेजा गया, 5 नंबर पे ऊपर प्रमोट कर दिया गया, और 17 बॉलों पर आखिर तक खड़े रहे। अबरार को एक ओवर में 3 छक्के भी जड़ दिए, और उस ओवर से बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट हो गया, और आखिरी के 5 ओवर में कलंदर से 70 रन लगाए जी, और उस 70 रन की वजह से 187 पहुंच गए। यकीन करो, फेसबुक से कोई पीएसएल का स्टार बन सकता है क्या? मतलब आप फेसबुक पे अपना वीडियो अपलोड करते हैं और बाद में आपको पीएसएल खेलने का मौका मिल जाता है, बीपीएल खेलने का मौका मिल जाता है। हैरान करने वाली बात है ना, ये कहानी है एक ऐसे ही खिलाड़ी की जो सिर्फ अपने फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया करता था। उसको नहीं पता था कि आगे क्या करना है, बस वो बैटिंग करना जानता था। ना उसे अपनी डोमेस्टिक की टीम ने लिया था, ना कोई उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, ना कोई T20 लीग्स खेली, कुछ नहीं खेला, बस वो फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया करता था, और उसके बाद आज पीएसएल में रातों रात वो स्टार बन गया है। नाम है इस खिलाड़ी का ख्वाजा नफे।
आज से लगभग मैं 2 महीने पहले मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि इस खिलाड़ी पर नजर रखिएगा, यह वही खिलाड़ी है जो आज हीरो बनके निकला है। नाम है ख्वाजा नफे। जो मैंने बात पहले कही थी आज वो बात सच साबित हो गई है। ख्वाजा नफे पहले फेसबुक पर वीडियो अपलोड करता था और धीरे धीरे उनके नो लुक शॉट और उनके शॉर्ट जो है वो वायरल हो गया, लोगों ने शेयर करना शुरू किया और धीरे धीरे नजर जो है पीएसएल वालों पर भी पड़ी, खास करके नदीम उमर जो कि क्वेटा के आई थिंक हेड है वो, उन पर पड़ी और उसके बाद उनको पिक किया गया। सरफराज अहमद ने उनकी एक स्टोरी सुनाई है। दरअसल सरफराज अहमद और ख्वाजा नफे दोनों एक ही एकेडमी से आए हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी से, दोनों एक साथ खेला करते थे और सर लियाकत का इनका बड़ा योगदान रहा इनके करियर को बनाने में। सर लियाकत जिनको आज ख्वाजा नफे ने अपने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उनको जो है डेडिकेट किया है, ख्वाजा नफे को बनाने में सर लियाकत का बड़ा रोल रहा है। उन्होंने सवारा, बैटिंग करना सिखाया, जो भी उनके थोड़े फ्लॉज एंड कॉन्स थे सब चीजों को ठीक किया। ना ये बंदा पेसर से डरता है, ना ये बंदा स्पिनर से डरता है, बस एक ही काम करना जानता है, वो ये है कि बस मुझे आके मारना ही मारना है, चाहे बॉलर शाहिनशाह अफरीदी हो या हरीश रॉफ हो, चाहे तुम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करो, तू शाहिनशाह अफरीदी होगा अपने घर का, तू हरीश रॉफ होगा अपने घर का, भाई मैं तो सोच के आया हूं कि मैं मारूंगा। और ख्वाजा नफे ने आज वही किया। भाई साहब ने 31 गेंद पे 60 रन की पारी खेली है और एक हारा हुआ मुकाबला जिता दिया है क्वेटा ग्लेडर्स को। बहुत ज्यादा नाम हो रहा है और होना चाहिए। अगर आप मेहनत हैं और आगे आप अपनी जर्नी को देखना चाहते हैं तो भाई मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। आप यकीन माने ख्वाजा नफे ऐसे लाखों लोगों के लिए जो है ना रातों रात सितारा और आइडल बन चुका है, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि फेसबुक से भी कोई स्टार बन सकता है और पीएसएल खेल सकता है। आज 187 रन 7 विकेट खोकर लाहौर कलंदर्स ने बनाए थे, 188 रन का टारगेट था। ख्वाजा नफे ने ऐसी बल्लेबाजी की कि ये टारगेट जो है बहुत ज्यादा बौना नजर आने लगा इनके सामने। मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जहांदाद खान ये बंदा एक नया सितारा उभर के सामने आया है। 17 बॉल पे इन्होंने, एक मिनट में स्कोर कार्ड देखो, 17 बॉल पे इन्होंने 45 रन की पारी खेली है। 17 बॉल पे 45 रन की पारी। जो जो नए नए तो अगर शाहीन और आमिर ये टेपिया टूपिया का ड्रामा बाहर करो, ढंग के बंदे खिलाओ जो कि अच्छे भी बॉलिंग भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो यार मोहम्मद आमिर इनकी फर्स्ट चॉइस, शाहीन से भी पहले इनकी मोहम्मद आमिर फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, जिस तरीके की उसने यॉर्कर्स इस तरह से नेल किया। ये 200 रन होते अगर मोहम्मद आमिर इवन को वाकई वर्ल्ड कप में कुछ करना है ना, शाहीन शाह आफरीदी को लिटरली मोहम्मद आमिर के पैर पकड़ लेने चाहिए। आज की डेट में भी पीएसएल शुरू हुआ है, लेकिन अगर आप देखें वो आदमी जो यॉर्कर्स नेल कर रहा है डेथ ओवर्स में, जिस तरीके से एक्यूरेसी से बॉल कर रहा है, जब बॉलर्स अंदर से पंप होते हैं, आपने शाहीन को भी देख लिया, आपने टेपिया ये तूने क्या किया को भी देख लिया, हारिस रॉफ से 100 गुना बेटर ऑप्शन है, बल्कि फर्स्ट चॉइस जो पाकिस्तान की होनी चाहिए एज अ पेसर शाहीन आफरीदी भी क्यों है। और हारिस रॉफ जिस तरह वर्ल्ड कप बेटे इससे पहले बेटे हैं, वो चीज अगर आगे रहती है मैं आपसे पूछता हूं, देखो मोहम्मद आमिर इस टाइम पे भी जब वर्ल्ड कप में जा रहे थे ये लोग हसन अली को ले गए, हसन अली बेटर ऑप्शन है कि मोहम्मद आमिर बेटर ऑप्शन है यार, एज अ बॉलर, एज अ प्योर बॉलर हसन अली बेटर ऑप्शन है कि मोहम्मद आमिर बेटर ऑप्शन है, कोई इससे नो ब्रेनर। वहां पे 50 ओवर की दूसरा चलो ओवर बॉलिंग कर दी, फेंक गए वो ले गए, चलो ठीक है फिटनेस ऑल कर दिया आपने, पहली पॉइंट ये हो गया, आपने बोल दिया चलो फिटनेस हसन अली को, चलो मैंने फिर भी मान लिया। सेकंडली अगर मैं पूछूं मोहम्मद आमिर बाहर लगता क्यों था, कि उसको कंसीडरेशन में भी क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज बाबर के अगेंस्ट उसने काफी कुछ बोला हुआ था, ये बात सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो बड़ा कुछ जिंदगी में झेला हुआ है, देखा हुआ है, अपनी गलतियां करके ऊपर आया हुआ है।